नहीं, ये उनकी साजिश थी क्योंकि उनको पता था कि 27 तो छोड़िए 7 जन्म में उनकी सरकार नहीं आएगी। ये अगर इस किसी भ्रम में कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई आदमी हो, तो 7 जन्म में नहीं आएगी, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि देश की जनता ने ये जान लिया है कि किसी मुख्यमंत्री के बेटे को ये देश चलाने का हक नहीं है। इस देश को चलाने का हक देश की जनता के हिसाब से है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वक्त बिहार के लाल सौरभ बिहार पत्रकार मनीष कश्यप को लेकर बहुत बड़ी खबर बिहार वासियों के लिए निकल कर सामने आ रही है। आप लोग स्क्रीन पर वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि किस तरीके से आज पत्रकार मनीष कश्यप को जेल से रिहाई करवाई जा रही है। इतनी ज्यादा पुलिस संख्या के बीच में, इतनी ज्यादा समर्थकों के बीच में आज पत्रकार मनीष कश्यप को जेल से रिहा किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन उन सभी बिहारी समर्थकों के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है जिनके लिए पत्रकार मनीष कश्यप इतने दिनों से जंग की लड़ाई कर रहे थे, इतने दिनों से जेल की सजा काट रहे थे। उन सभी बिहार वासियों के लिए आज खुशी का दिन है। पत्रकार मनीष कश्यप के सभी परिवार वालों के लिए आज खुशी का दिन है कि पत्रकार मनीष कश्यप को आज जेल से रिहाई करवाई जा रही है। स्क्रीन पर वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि भारी पुलिस फोर्सों के बीच में सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आज पत्रकार मनीष कश्यप को जेल से रिहाई करवाई जा रही है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूँ। अचानक ही पत्रकार मनीष कश्यप को कैसे बिहार सरकार के द्वारा जेल से रिहा कर दिया गया, पूरी जानकारी जानने के लिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने निरहुआ का इंटरव्यू सुन ही चुके होंगे कि किस तरीके से निरहुआ बिहार में मौजूदा सरकार को दहाड़ रहे, बिहार में मौजूदा सरकार की स्थिति पर वो लांचर लगा रहे। उनका कहना है कि 7 जन्मों में भी बिहार की वर्तमान जो सरकार है वह नहीं आने वाली है, क्योंकि उसका किया धरा ही ऐसा रहा है। एक सच्चे पत्रकार के साथ उन लोगों ने जिस तरीके से यातनाएं दी है, जिस तरीके से एक सच्चे पत्रकार को उन लोगों ने परेशान किया है, बिहार की जनता आइंदा से कभी भी ऐसी सरकार को अपने राज्य में, अपने देश में नहीं देखना चाहेगी। पत्रकार मनीष कश्यप के सपोर्टर्स का मानना है कि मनीष कश्यप इस बार मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। आज पत्रकार मनीष कश्यप की रिहाई पर निरहुआ दिनेश लाल यादव सहित भोजपुरी के मशहूर एक्टर रवि किशन, जो कि बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं, वो अभी पत्रकार मनीष कश्यप की रिहाई में पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी जहां पर हो वहां पर गलत ऐसा हो ही नहीं सकता है। हेलीकॉप्टर से पत्रकार मनीष कश्यप की रिहाई पर दिनेश लाल यादव सहित रवि किशन आज पहुंच चुके हैं। दोस्तों, पत्रकार मनीष कश्यप को लेकर इतनी बड़ी खुशी की खबर जानकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पत्रकार मनीष कश्यप हम लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए एक भगवान है, गरीबों के मसीहा है। ऐसे ही उनको सन ऑफ बिहार का दर्जा नहीं दिया गया है। पत्रकार मनीष कश्यप वह व्यक्ति है जो जेल में होते हुए भी अपने परिवार की चिंता किए बगैर अपने बिहार वासियों की वह चिंता करते हैं। पत्रकार मनीष कश्यप इतनी ज्यादा परेशानी होने के बाद आज उनको जेल से रिहा किया गया है। दोस्तों, इतनी बड़ी खुशी की खबर जानकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे अपने पत्रकार मनीष कश्यप को इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।